बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई है। मृतिका रामपुर गांव निवासी अवधेश चौधरी की 40 वर्षीय पत्नी सालो देवी बताई जाती है। मौके पर मृतिका के पति ने बताया कि मंगलवार की सुबह पत्नी चूल्हे के पास खाना बना रही थी, अचानक चक्कर खाकर पीछे गिर गई। हम लोगों ने पत्नी को होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो गई थी। घटना की सूचना अमरपुर थाने में दी गई। सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक वन रक्षक कपिल देव यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेते हुए परिजनों के बयान को कलमबद्ध किया। मृतिका के ससुर बच्ची चौधरी ने बताया कि मृतिका को पहले भी चक्कर आता था, जिसका इलाज चल रहा था। वहीं कुछ ग्रामीणों ने नाम सामने नहीं लाने के शर्त पर बताया कि महिला कभी भी बीमार नहीं थी, बल्कि काफी मृदुल स्वभाव की थी। मृतिका का पति एक बार दहेज को लेकर हवालत भी जा चुका है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि मृतिका का मायके सुड़गड़ा जिले के नवाबगंज में है। इनके मायके वालों के आने का इंतजार किया जा रहा है। मृतिका के मायके वालों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोग उधर सफाई करने गए थे, वहाँ पर सफाई करते करते बच्चा गया, लारा भूसा साफ कर रहे थे। बच्चा उतर गया, बोले चाची गिर गया, तुम्हारा गिर गया, पानी दे रहे हैं, पानी है, बुखार लग गया, ये हो गया। वहाँ से आते हैं तो बोलता खत्म हो गया। खाना बना रहे, हम सब तो गए थे लारा भूसा ढोने के लिए, उधर काम करने के लिए। उधर से आए ना तो खाना बनाया, सब्जी उतारता हूँ, आटा साना था, हाथ में लगा है उसका। और अब रोटी बेलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो तब तक वो खत्म हो गया, पीछे गिर गया। हाँ, पीछे गिर गया। और एक बच्चा पानी फिर देने आया, वो घाटों पूजने गया था, घाटों बैठता है हम सबको, तो फिर उस पूजा करके पानी फिर बोला कि पानी देने के लिए आया, तो फिर तब तक खत्म हो गया, अचानक मर गया वो। अमरपुर प्रखंड के मखदुम्मा बाजार के समीप सोमवार को पकड़ा गया गेहूं से लदा ट्रक कालाबाजारी का निकला। हालांकि खाद्यान्न माफिया जब्त गेहूं लदा ट्रक को किसान ने खरीद किए जाने के नाम पर जांच टीम को गुमराह करने का काफी प्रयास किया। अंततः जांच के बाद गेहूं पीडीएस का निकला, जो अमरपुर बांका फुल्ली डुमर प्रखंड के डीलर से कालाबाजारी से सारा गेहूं खरीद किया गया था। मंगलवार को 496 बोरा गेहूं अमरपुर एसएफसी गोदाम के एजीएम के जिम्मे देकर अनलोड कराया गया। जब्त गेहूं मखदुम्मा गांव के खाद्यान्न माफिया प्रीतम दरवे का बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ अमरपुर थाना में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जानकारी के अनुसार जब्त गेहूं में महज 45 बोरा ही किसान ने खरीद किया था, शेष 451 बोरा गेहूं के बोरा में हरियाणा एवं पंजाब खाद्य निगम की मोहर लगी हुई थी और खाद्यान्न माफिया के आंख में धूल झोंकने के लिए बोरा का सिलाई खोलकर हाथ से सिलाई कर दिया गया था और ट्रक के नीचे कालाबाजारी का गेहूं और ऊपर में किसान का 45 बोरा रख दिया गया था, ताकि जांच होने पर गुमराह किया जा सके। वहीं खाद्यान्न माफिया प्रीतम दरबे अपनी कलई खुलते देखकर फरार हो गया है। बताते चले कि डीलर को खाद्यान्न आवंटित होने के साथ ही खाद्यान्न माफिया सक्रिय हो गया था और अमरपुर के आसपास के प्रखंड में सक्रिय होकर गरीबों के निवाले को डीलर ने खाद्यान्न माफिया के बीच बेच दिया। सूत्रों की माने तो वर्तमान में अमरपुर फुल्ली डिमर बांका के लगभग 100 डीलर पर गाज गिरना तय है, लेकिन मैनेज व्यवस्था के तहत गरीबों के निवाले को गटक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। कालाबाजारी का गेहूं जब्त होने के बाद खाद्यान्न माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एमओ कमल जायसवाल का कहना है कि जब्त ट्रक पर एसएफसी की गेहूं है, जो मखदुम्मा के आसपास के प्रखंड के डीलर का है। जांच में गेहूं एसएफसी का निकला है। खाद्यान्न माफिया प्रीतम दरबे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जब्त गेहूं को एजीएम अमरपुर को जिम्मेनामा करते हुए गोदाम में रखवा दिया गया है। सुल्तानगंज के दौलतपुर गांव से कुछ मजदूर पैदल चलते हुए मंगलवार के दिन अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्दकोल गांव स्थित जौकी बहिहार के धोबियाकुर बांध पहुंचे। सूचना मिलते ही बीडीओ सरस्वती कुमारी, थानाध्यक्ष कुमार सन्नी, रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, सहायक वन निरीक्षक सुनील कुमार, सहायक वन निरीक्षक बी के तिवारी पुलिस बलों के साथ पहुंचकर सभी को बांध पर रोक लिया। सभी प्रवासी मजदूरों का डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी मजदूर स्वस्थ पाए गए। वहीं थानाध्यक्ष कुमार सन्नी के द्वारा सभी मजदूरों को मूढ़ी दालमूट नाश्ता कराया गया, जबकि भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर के द्वारा जनता रसोई के माध्यम से सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन खिलाया गया। मौके पर प्रवासी मजदूर जोहन मुर्मू, मखनी मुर्मू, रानी टुड्डू, बबलू हादसा आदि ने बताया कि हम लोग झारखंड राज्य के दुमका एवं गोड्डा जिला के विभिन्न पंचायतों से होली पर्व के दूसरे दिन सुल्तानगंज के दौलतपुर गांव में किसानों के पास मजदूरी करने गए थे। काम खत्म हो गई तो मालिकों ने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, लॉकडाउन की वजह से वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग पैदल ही अपने गाँव जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे लेबर इंस्पेक्टर शैलजा ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नारायण दास, समाज सेवी विभास यादव, भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष विनय शाह सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। अच्छा।
काम खत्म हो गया अब? अब कहाँ जा रहे हो? हस्तियाम कौन है? घर जाना है। कौन गांव हुआ घर? दौलतपुर। काम करने गए थे? काम करने के लिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ, पैदल जा रहे हैं अपना मकान। कहाँ अपना मकान जा रहे हो? काम करने गए थे? काम करने गए थे। क्या हो गया फिर काम? काम तो हो गया, तब चक्का बंद हो गया तो हम लोग पैदल से चलने लगे। कोरोना महामारी को लेकर बेरोजगारी से गांव में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में समाज सेवी से लेकर व्यवसायी तक जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सस्ते दरों पर जन वितरण से मिलने वाले राशन की कालाबाजारी हो रही है। कटियारी पंचायत के गोविंदी के उपभोक्ताओं ने अपने डीलर सतेश्वर यादव पर मार्च महीने का राशन नहीं देकर कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 3-4 महीने पर एक बार उन लोगों को राशन दिया जाता है, पूछे जाने पर गाली गलौज कर दुकान से भगा दिया जाता है। उपभोक्ता केलू यादव, लुटनी देवी, लखन यादव, लखी देवी, मनीष यादव, सांवती देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव, उमेश यादव, गुलाबी यादव आदि ने बताया कि फरवरी माह में ही उसे एक माह का अनाज दिया गया है। मार्च महीने में पूछे जाने पर बताया कि फ्री में राशन मिलेगा लेकिन आया नहीं है। इतना ही नहीं, 35 किलो अनाज में से 5 किलो अनाज काट लिया जाता है जबकि 4 एवं 5 रुपए किलो की दर से दाम लिया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अक्सर उपभोक्ताओं को मिलने वाली राशन कालाबाजारी कर ये दबंग डीलर झारखंड देवघर में बेच लेता है। कई बार रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद डीलर के खिलाफ कार्रवाई के बजाय विभाग ही इसकी ढाल बन जाता है। इस संदर्भ में डीलर से पूछने पर उन्होंने बताया कि मार्च का राशन उपभोक्ताओं में वितरण कर दिया गया है, आरोप गलत है। कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए जहां एक और सरकार लोगों के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, वहीं विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के लोग भी राहत पहुंचाने आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जफरुल होदा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। इसी क्रम में उन्होंने क्षेत्र के दुबराजपुर गांव के लैया टोला में जाकर पिछले दिनों हुए एक बच्चे के मौत मामले में मृतक के परिजनों से मिले और उन्हें राशन सामग्री मुहैया कराया और साथ ही दुबराजपुर और पंजवारा में ग्रामीणों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का भी वितरण किया। मौके पर राजद नेता असरफुल होदा, दुर्गेश मिश्रा, अजय यादव, सुभाष शाह, अमित यादव सहित अन्य मौजूद रहे। ये जो हम लोगों के नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि और हमारे पूर्व सांसद जयप्रकाश साहू का कि भाई इस आपदा की विपत्ति की घड़ी में ये चूंकि विश्वव्यापी महामारी है, इससे बचने के लिए अपनी एकजुटता को हम लोग दिखाएं और एकजुट होकर के जो जागरूकता अभियान हम लोग चलाएं। जितने भी हम लोग जागरूक नागरिक हैं, एक दूसरे को हम लोग आपस में कन्विंस करते रहें कि एक दूसरे से दूरी बना करके रहें, मास्क का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को साबुन से धोते रहें, झाग जब साबुन उठे उसको हम लोग सफाई करते रहें। ये अमरपुर के वार्ड संख्या 12 में महादलित बस्ती में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दर्जनों बच्चों के बीच किताब, कॉपी, कलम एवं चॉकलेट का वितरण किया गया। भाजपा युवा मोर्चा सेवा जिला प्रमुख सन्नी कुमार शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और लोगों को इतनी बड़ी महामारी कोरोना के बारे में बताया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज देश समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों को पूरा करते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के संकट काल में बाबा साहब के मार्ग का अनुसरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं की सहज पहुंच सही मायनों में देश के महान नायक श्रद्धे बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के मणिरत्नम कुमार, मिथुन दास, जयकिशन कुमार, सुनील कुमार सुमन, उमेश दास, रामानंद दास, रूपेश कुमार, दीपक, राजेश, मीरा देवी, कौशल्या देवी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।